श्री कृष्णा राजस्थानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू करी। काजू करी बहुत ही अच्छी डिश है, घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। काजू करी में चाहिए 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी क्रीम, जो क्रीम दूध की भी ले सकते हैं, अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, 2 कटे हुए टमाटर, 2 कटे हुए हरी मिर्च, 2 कटे हुए प्याज, हरा धनिया, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, 1.5 चम्मच धनिया। सूखे मसाले में हमें चाहिए तेज पत्ता, दालचीनी, 1 लाल मिर्च सूखी हुई, लौंग और हींग। अब काजू को हम थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके लिए हमने घी लिया है, इसमें काजू डाल देंगे और सेक लेंगे। काजू को थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। काजू ब्राउन हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा काजू को नहीं पकाएंगे। अपना हमने कढ़ाई में घी डाला है, इसमें हम पहले खड़े खड़े मसाले डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद प्याज, इनको फ्राई होने देंगे। अब इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इन्हें थोड़ी देर पकने देंगे, पक जाएंगे जब हम इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमारे प्याज टमाटर पक चुके हैं, अब इनको थाली में निकाल लेते हैं। अब इनको थोड़े से ठंडे होने देंगे। अब ये ठंडे हो गए हैं, अब मिक्सर में पीस लेते हैं। देखो ये बारीक पीस गया है, अब इस भगोनी में निकाल लेते हैं। अब हम काजू करी की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी पकाने के लिए कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी लिया है। घी में पहले डालेंगे राई, फिर जीरा, फिर इनको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद ग्रेवी डालेंगे। अब हमने इसमें पिसे हुए प्याज टमाटर डाल दिए, अभी इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, काला नमक। अब इसको हम पकने देंगे अच्छे से, तेल छोड़ देगी जब तक। देखिए ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। क्रीम डाल के मिला लिया हमने, थोड़ी देर और पकने देंगे। हमारी ग्रेवी पक गई है, अब इसमें काजू डाल दें। हमारी सब्जी बन के तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। आप भी अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।